हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्या सब लोग, आई होप आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और अभी मैं जस्ट अभी नहा के आई और यहाँ देखिए अनुष्का को ये इसीलिए खड़ी है एंड बैडमिंटन लेके खड़ी है बिकॉज मैंने इसे बोला था कि 1 बजे सब रेडी हो जाना, हम लोग सब मतलब बैडमिंटन खेलेंगे सब। अभी सारे 3:15 हो रहा है। हाँ तो क्या बोलूँ, सबसे ज्यादा लेट मुझे ही होता है ऐसे। मैं मैं बोलते गई कि 1 बज के 1 बज के निहाई नहीं अच्छा नहीं बेइज्जती लगा करने ठंडा चली। का टाइम में कौन नहाना। अब बेइज्जती बोल रही है, एक तो कर दी ऊपर से बेइज्जती बोल मैं तो रही। 12 बजे निहाई हूँ, पूजा वूजा हाँ करना पड़ता है। बहुत संस्कारी लड़की है हमारी। और यहाँ देखिए अंकिता क्या कर रही है, वहां पे फोन चला रही है वो। इतना रेडी वेडी हो के दिखाती हूँ मैं आपको, जस्ट 1 सेकेंड। ये देखिए इसको इतना रेडी होके पता नहीं किसको दिखाने जा रही है। मैं देखिए इतना सिंपल लड़की हूं मैं, और इसको देखिए किसको दिखाना है बेटा, अपने पति को। देख सकते इतना गंदी लड़की है ना, कितना फालतू बात बोलती है। यहाँ पे सब खेले बैडमिंटन खेल रहे थे और वहां पे संचना दीदी खड़ी है, जो जैसे ही मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ ना, सब भागने लग जाते हैं पता नहीं क्यों। सब मतलब ऐसा लगता है, शर्म नहीं मतलब ऐसा लगता है कि देखो मैं एकदम सिंपल होके बना रही हूँ, और जब तक कोई मेकअप नहीं करके बैठा रहेगा तब तक मैं उनका व्लॉग नहीं बना पाऊंगी। भी छाड़ा बताओ मैं कौन सा सुंदर लग, मैं सुंदर ही लग रही हूँ बताओ नहीं। आप लोग। और ये लोग को इतना, ये देखिए पीछे से गए, रूम में घुस गई थी, कितनी बदतमीज लड़की है ये लोग। तो अभी मैंने मतलब नहा के, ये तो मैं थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा लेती हूँ फेस पे, ओके। तो ये वाला क्रीम मैं लगाती हूँ, अभी भी लगा रही हूँ, ये बहुत अच्छा क्रीम है। मैंने आपको बताया भी था जब ये पार्सल आया था इसका, तो भी मैंने आपको वीडियो दिखाया था इसका। तो ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड मेरे फेस को भी मॉइस्चराइज रखकर। एंड मैं फेस में ना बहुत जल्दी, मैं मतलब रात को बहुत लेट से सोती हूँ, और उठने का तो आदत मेरा आप लोग जानते ही हो कि बहुत लेट से उठती हूँ मैं। आप लोग नहीं जानते होगे क्योंकि मैंने कभी बताया नहीं। और ऐसे तो मैं कभी सुबह में जल्दी व्लॉग बनाती नहीं हूँ इसीलिए। और अभी मैंने खाना नहीं खाया है, आज मुझे ट्यूशन भी जाना है, 5 बजे मेरा ट्यूशन है, तो होमवर्क भी नहीं किया है मैंने। होमवर्क भी बैठ के मैंने मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे सर जी से हमें बहुत मार मिली। और कुछ नहीं, जस्ट ऐसे लाइट से थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लूंगी, फिर जाके थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगा लूंगी, और क्या अच्छी दिखने के लिए। अभी आप देखिए मेकअप करते हुए, लड़के लोग को मेकअप ही करना पड़ता है। इसको ना आई थिंक मुझे जेलस होता होगा इसको बेचारी को। ये अब मतलब है तो ये भले छोटी, बट इसे मेकअप करने का बहुत ज्यादा शौक है। और मुझे अभी भी याद है बचपन में अंकिता रोती रहती थी, जैसे हम लोग कहीं जाते थे मतलब शादी वादी में जाते थे, तो अंकिता मेकअप करने के लिए रोती रहती थी कि मुझे भी मेकअप कर दो, मुझे भी मेकअप कर दो। और उसे हम लोग मेकअप कर देते थे। और ये लड़की भी ऐसी है कि हम, मुझे याद है छठ पूजा में हम लोग इसे मजाक करते रहते कि तुम मेकअप नहीं करके जाओगी, तुम बच्ची हो, मैं फेस में मतलब ऐसे ये हो जाएगा, काला पड़ जाएगा ये सब। तो लेकिन ये बचपन में रोने लग जाती थी कि दीदी लोग करके जा रही है, दीदी लोग सुंदर बन के जा रही है, तो मुझे भी क्यों नहीं बनना है। मतलब ये ऐसी लड़की है बताओ आप लोग। और जैसे हम लोग अगर कुछ खा रहे होते हैं तो मतलब बच्चे लोग को आप जानते हो, हम लोग जैसे कुछ खाते थे या कुछ भी, तो ये ऐसे खड़ी हो जाती थी, ऐसे देखती थी, ओ दीदी लोग खा रही है ऐसे करती थी। और मतलब बहुत अच्छा अच्छा मतलब चीज है हम लोग का बचपन में जो हुआ था, एंड ये अभी इतनी बड़ी हो गई है, बट बचपन का एक एक बात बताऊंगी तो। और अभी हम लोग जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने, एंड मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे खेलती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बैडमिंटन खेलना, एंड जब ठंड का टाइम आता है विंटर तब, और हम लोग खेलते हैं सब, और वहां फिर से इन लोगों का गप्पे चालू हो गया, जहां जाएगी नहीं मतलब इन लोगों का। जल्दी रेडी होके ना, इस अंकिता को कुछ काम नहीं रहता है। उस दिन मैंने बोला था ये पिंक पिग लग रही थी, आज पर्पल पिग लग रही है। अरे दीदी का लाल सांडल लग रही है। उस दिन भी इसने यही बोला था, बट मैं नहीं हूं, मैं बहुत सुंदर हूँ, एंड ये बन रही है। और यहाँ देखिए संजना दीदी को खुद का तारीफ अपने मुंह से मत कितना करो, बदतमीज है फिर से बांधू। झूठ नहीं बोलते ना। ये तुम बहुत झूठ बोलती हो, मुझे मालूम है बहुत झूठ बोलती है ये लड़की। आपको लगता है वैसे कहीं बता, इतनी क्यूट लड़की कभी झूठ बोल पाएगी? क्यूट क्यूट बोलिए, देखिए मार रही है मुझे, अपनी बड़ी दीदी को मार रही है इसको, मतलब
पुलिस केस कर देना चाहिए बड़ी दीदी को मारने का जुर्म में, मतलब कम से कम एक सेकेंड छोटी बात की बड़ी केस कर, मेरी ये बहुत बड़ी बात है, ये खुद छोटी है ना, ये खुद छोटी है इसीलिए इतना बकवास मार रही है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ ये ढाल। एक बात बताओ आपको, आपसे बड़ा होने का कोई ये काम किए बड़ा बताओ, सब भूल गई है ये बचपन की बातें सारे भूल गई है, बड़ी हो गई है ना, थोड़ा सा सुंदर इंसान क्या दिख जाता है, घमंड आ जाता है। सही बोल रहे हम, आपको क्या ज्यादा सुंदर दिखते हैं, आपको घमंड आ गया आपके लाइफ में, बोलिए अच्छा बात है, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, ऐसे मुंह में तुम्हें चप्पल मारेंगे सब। चलिए अब ये तो भागी जा रही है, देखिए ना आप, अरे कहाँ चल रहा है, अरे हट तो तुम, ये देखिए इसको भागी जा रही है, जब भी व्लॉगिंग करूंगी तब खेलने के लिए बोलिए उसे भी खेलना है, कितनी प्यारी मम्मी कितनी प्यारी तरीके से बोला है इसने, मुझे भी खेलना है, बहुत अच्छी बच्ची है ये, बट कभी कभी ना बहुत गंदी बच्ची बन जाती हो, और आप लोग सोचते होंगे कि मैं इसकी इतनी बेइज्जतियां क्यों करती हूँ, क्योंकि एक यही लड़की है जो हमेशा ये मतलब ये बेइज्जती करने लायक ही लड़की है, क्योंकि हमेशा मैं सबके मैं वीडियो में करती हूँ बेइज्जती, एंड ये सबका सामने मेरा बेइज्जती कर देती है, सबका सामने, और ऐसे सब बेइज्जतियां करेंगी ना आपका दिमाग जल जाएगा, ऐसी ऐसी बहन किस किस के पास है आप कमेंट करके एक बार बताओ, मेरे को कैमरा खोलने इसके लिए बोले थे, यस इसका बेइज्जती करने के लिए, और मेरा खेलना कम्प्लीट हो गया है, और अभी मैं आई हूँ खाना खाने के, क्योंकि मुझे 5 बजे ट्यूशन जाना है, तो और घर पे लाइट नहीं है देख सकते हो आप लोग, तो मैं अभी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी अपना होमवर्क, मुझे जो मिला है वही मैं दिखाऊंगी आपको, और मैं खाना लेके इधर आ गई हूँ बाहर में, इन लोगों का गेम भी देखूंगी, मतलब कि आप इन लोगों का गेम भी देखूंगी, और अपना ये खाना भी खा लूंगी, खिचड़ी बनाया है मुझे अच्छा नहीं लगता है तो भी खाना पड़ेगा, क्योंकि ये मम्मी जी का आदेश है कि ये खिचड़ी मुझे खाना ही पड़ेगा, सब्जी तो मैंने ही बनाया था, क्या करूँ खाना तो पड़ेगा ही, और वहाँ देखिए इस लड़की कैसे खड़ी है, ये देखिए इसको, पर गेम के लिए तो चिल्ला रही है, और वहाँ देखिए वहाँ अमरूद तोड़ रही है मम्मी, क्योंकि बहुत सारा हमारे गांव में बहुत सारा अमरूद होता है, तो अमरूद हम लोग तोड़ के खाते हैं, बहुत बड़ा हो गया ना पेड़ तो हम लोग मतलब उतना ऊपर तो ऊंचा मतलब जंग नहीं सकते, मतलब वैसे सब बोलते हैं पापा से पढ़िया, बट मैं नहीं हूँ तो इसीलिए क्या बोलू नहीं उड़ सकती मैं, तो इसीलिए मम्मी तोड़ रही है, और पेड़ खाऊंगी मैं, ये देखिए हमारे पेड़ का जो प्यारा होता है वो इतना बड़ा बड़ा है, और इससे भी बड़ा बड़ा होता है, देखिए अभी इससे ज्यादा बड़ा मम्मी ने मुझे दिया नहीं, तो मैं यही खाऊंगी, और बैग भी लेके आई हूँ मैं पढ़ाई करने के लिए, और ये देखिए इतना मोटा बुक मुझे पढ़ना होगा, ये देखिए इतना मोटा बुक, पढ़ते पढ़ते थक गई हूँ मैं, कौन कौन मेरी तरह पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, तो अभी थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती हूँ, होमवर्क कर लेती हूँ, उसके बाद, और वहाँ देखिए ये कैसे देख रही है उसको ऐसा लग रहा है दिख नहीं रहा है बट आईना से सब दिख रहा है, तो अभी मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी ट्यूशन, फिर आपसे मिलती हूँ ट्यूशन से आने के बाद, तो अभी मैं आ चुकी हूँ ट्यूशन से, और अभी थोड़ी सी थकी हुई थी तो मैं लेटी हुई हूँ थोड़ा सा, और यहाँ संजना दीदी को देखिए आप लोग, फोन चला आ रही है वो, और मैं बोरिंग बैठी हुई हूँ, और अभी मैं जाऊंगी थोड़ा सा बिग बॉस देखूंगी उसके बाद, क्योंकि बिग बॉस मेरा फेवरेट है, तो बिग बॉस देखने के बाद मैं खाना खा लूंगी एंड सो जाऊंगी, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो बाय बाय।